बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन पर बड़ा हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी नहीं बल्कि घुसपैठियों की मौसी है और रोहिंग्यों की चाची है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के चुनाव का केंद्र बन चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने भी यहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक निजी कंपनी बताया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं, यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है और कंपनी के अध्यक्ष का नाम है ममता बनर्जी। वही प्रबंध निदेशक उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु टीएमसी छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि बंगाल चुनाव में मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट अब बेहद अहम हो गई है। ये सीट हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पाले में रही। शुभेंदु ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं और ममता बनर्जी के यहाँ से ऐलान करने के बाद शुभेंदु ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यहाँ से 50,000 मतों से हारेंगी और या तो वो राजनीति छोड़ देंगी। दरअसल नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के परिवार का बरसों से खासा प्रभाव रहा है और यही वजह है कि शुभेंदु खुलकर ममता को चुनौती दे रहे हैं। बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से ये चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को और चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, वहीं पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, तो छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और आठवें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी।